वेलकम टू ईगन। चलिए आज हम लोग नेटवर्क थ्योरम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ के देखते हैं, वो है रेसिप्रोसिटी थ्योरम। देखिए इसका स्टेटमेंट क्या है। इन ए लीनियर बाइलेटरल पैसिव नेटवर्क द रिस्पॉन्स टू एक्साइटेशन रेशियो इज कॉन्स्टेंट इवन दो द इनपुट एंड आउटपुट टर्मिनल्स आर इंटरचेंज। इसका क्या मतलब है कि किसी भी लीनियर बाइलेटरल पैसिव नेटवर्क में यदि हम लोग रिस्पॉन्स और एक्साइटेशन का रेशियो लेते हैं तो वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है, भले ही हम लोग इनपुट और आउटपुट टर्मिनल को आपस में इंटरचेंज कर दें। मतलब पहले इनपुट टर्मिनल मान लीजिए यहाँ है और आउटपुट यहाँ है, तो दूसरे सर्किट में हम लोग यहाँ पर आउटपुट लेंगे और यहाँ पर इनपुट लेंगे। हम लोग इसको इस एग्जाम्पल से समझ कर देखते हैं। देखिए मान लीजिए कि ये हमारा एक नेटवर्क है जो कि लीनियर है, बाइलेटरल है और पैसिव नेटवर्क है। मतलब इसके अंदर कोई भी इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट सोर्स नहीं है, कोई भी सोर्स नहीं है, सारे एलिमेंट जो है वो पैसिव हैं। यदि हम लोग इसमें यहाँ पर एक वोल्टेज अप्लाई करते हैं V1, मतलब कि ये हमारा एक्साइटेशन हो गया, और यहाँ पर मान लीजिए हमको एक रिस्पॉन्स मिलता है I1। क्लियर है? मतलब यहाँ पर हम लोगों ने वोल्टेज अप्लाई किया V1 और यहाँ पर हमको उसका रिस्पॉन्स मिल रहा है, रिजल्ट मिल रहा है, करंट मिल रहा है I1। तो रिस्पॉन्स और एक्साइटेशन का जो रेशियो होगा, तो रिस्पॉन्स क्या है अपना, वो है I1, और एक्साइटेशन क्या है, वो है V1। ये रिस्पॉन्स और एक्साइटेशन का रेशियो जो होगा वो कांस्टेंट होगा इवन दो द इनपुट और एंड आउटपुट टर्मिनल्स आर इंटरचेंज। मतलब कि यदि अब हम लोग क्या करें, इनपुट और आउटपुट टर्मिनल को इंटरचेंज कर दें, मतलब मैं यहां पर अब ले लूं आउटपुट, मतलब मैं यहां से निकालूं करंट जो कि मान लीजिए करंट I2 है, और यहां पर मैं अपना इनपुट लगा दूं, मतलब अपना एक्साइटेशन यहां पर मैं अप्लाई करूं, मतलब यहां पर मैं वोल्टेज लगा रहा हूं, तो यहां पर वोल्टेज लगाने पर वोल्टेज V2 है, और सपोज उसके कारण यहां पर रिस्पॉन्स जो करंट है वो I2 है, तो अब की बार क्या होगा, रिस्पॉन्स और एक्साइटेशन का जो रेशियो होगा वो हो जाएगा I2/V2। तो हमारा ये थ्योरम क्या कहता है कि इस प्रकार का कोई भी नेटवर्क हो उसमें रिस्पॉन्स और एक्साइटेशन का रेशियो हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है इवन दो द इनपुट और आउटपुट टर्मिनल्स आर इंटरचेंज। मतलब हम लोगों ने देखिए इन दोनों नेटवर्क में इनपुट और आउटपुट को इंटरचेंज कर दिया, पहले यहां इनपुट था, यहां आउटपुट था, उसके बाद हम लोगों ने यहां आउटपुट लिया और यहां इनपुट ले लिया है, तो जो रिस्पॉन्स और एक्साइटेशन का जो रेशियो था ये दोनों हमेशा कॉन्स्टेंट रहेंगे, मतलब कि ये इसके बराबर हो जाएगा। I2/V2 जो होगा वो I1/V1 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये कांस्टेंट रहेगा। तो ये होता है अपना रेसिप्रोसिटी थ्योरम। चलिए अपन इसको एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर के करके देखते हैं, सॉल्व करके देखते हैं। मान लीजिए हमारा ये एक सिंपल नेटवर्क है। तो देखिए ये जो नेटवर्क है, ये नेटवर्क जो है वो एक लीनियर बाइलेटरल और पैसिव नेटवर्क है। इसमें सिर्फ एक एक्टिव सोर्स है 20 वोल्ट का, वो यहां पर लगा हुआ है। सपोज हम यहां पर करंट निकालते हैं I, और निकालेंगे रिस्पॉन्स और एक्साइटेशन का रेशियो, कैसे निकलेगा वो, चलिए हम इसको करके देखते हैं। तो यदि मुझे यहां से करंट निकालना है तो अपन क्या करेंगे, सिर्फ एक, क्योंकि इसमें वोल्टेज सोर्स है, तो हम क्या करेंगे, नेटवर्क रिडक्शन टेक्निक लगा करके देखते हैं। नेटवर्क रिडक्शन टेक्निक कैसे लगेगी, देखिए तो ये दोनों पहले रेजिस्टेंसेस सीरीज में है, तो हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा सबसे पहले ये दोनों सीरीज में, उसके साथ में ये 10 जो है वो पैरेलल में है, और इस पूरे कॉम्बिनेशन के साथ में ये 5 ओम जो है वो सीरीज में है। तो इस प्रकार से इस पूरे सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगा वो इतना जाएगा, ये दोनों सीरीज में, फिर इनका सीरीज कॉम्बिनेशन इसके साथ पैरेलल में, और ये पूरा कॉम्बिनेशन इसके साथ फिर सीरीज में, तो वो हम लोगों ने लिखा है। यदि हम इसको कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा, ये 10 पैरेलल विथ 10 आ जाएगा, एंड इट इज इन सीरीज विथ 5। तो इसका मतलब है जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, 10 और 10 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो हम जानते हैं वो 5 होता है, और ये इस 5 के साथ सीरीज में है, तो इसका मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा 10 ओम। तो इसका मतलब इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है 10 ओम, और देखिए पूरा जो टोटल वोल्टेज है वो कितना है, वो है 20 ओम। तो इसका मतलब यहां से जाने वाला जो टोटल करंट होगा आई टोटल, वो कैसे निकलेगा, ओम्स लॉ से निकल जाएगा, आई टोटल इज इक्वल टू टोटल वी डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल वी कितना है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए 20 वोल्ट, ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस हमने निकाला 10, तो इसका मतलब टोटल करंट जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2 एम्पियर। क्लियर है? तो इसका मतलब यहां से जाने वाला टोटल करंट हो जाएगा 2 एम्पियर। हमको निकालना है ये वाला करंट आई, ये करंट आई कैसे निकलेगा, तो करंट डिवीजन रूल से निकल जाएगा। ये वाली ब्रांच इस ब्रांच के पैरेलल में है, तो यहां से जाने वाला करंट कैसे निकलेगा, देखिए हम लोग उसको निकाल करके देखते हैं। तो आई करंट हो जाएगा टोटल करंट मल्टीप्लाइड बाय अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस जो कि है 10 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेजिस्टेंसेस जो कि है 10 प्लस 10। ये देखिए यहां का रेजिस्टेंस 10 है और यहां का रेजिस्टेंस भी 10 है, तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 10 प्लस 10, और यहां से यदि हमको करंट निकालना है तो उसका अपोजिट रेजिस्टेंस भी हो जाएगा 10, तो वही हम लोगों ने यहां पर किया है। और यदि हम इसको कैलकुलेट करें तो कितना आ जाएगा, आई टोटल देखिए 2 एम्पियर दिया है, तो यह आ जाएगा 2 × 10 / 20,
तो इसका मतलब हो जाएगा 1 एम्पियर। तो ये करंट हो जाएगा 1 एम्पियर, मतलब यहां से जाने वाला करंट हो गया 1 एम्पियर। यदि अब हम लोग इसी का सेम रेसिप्रोकल नेटवर्क बनाते हैं, मतलब कि हम लोगों ने यहां पर देखिए सोर्स कनेक्टेड था, अब यहां पर यदि हम लोग करंट मेजर करें तो यहां के करंट को हम मान लेते हैं I, और ये जो 20 वोल्ट का सोर्स था उसको हम यहां लगा देंगे जहां पर पहले करंट I हमने फाइंड किया था। तो यहां पर हम लोगों ने 20 वोल्ट का सोर्स लगा दिया जहां पर हम लोग I फाइंड कर रहे थे, और अब देखते हैं क्या फिर से करंट की वैल्यू वही आती है या अलग आती है। तो देखिए हम लोग फिर से वही करेंगे, नेटवर्क रिडक्शन टेक्निक अप्लाई करते हैं। तो यहां पर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा ये दोनों पैरेलल में है, तो यह हो जाएगा 5 in parallel with 10। इट इज इन सीरीज विथ 4 + 6, क्योंकि ये दोनों भी सीरीज में हैं। तो ये दोनों रेजिस्टेंस पहले पैरेलल में है पर इनके पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ ये दोनों सीरीज में है, तो हम लोगों ने यहां पर नोट कर लिया। अब यदि हम आर इक्विवेलेंट निकालना चाहें तो 5 और 10 का पैरेलल कितना होगा, वो हो जाएगा 5 × 10 / 5 + 10 प्लस ये दोनों मिलकर हो जाएंगे 10। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 50 / 15 + 10। यदि हम इसको और सॉल्व करें थोड़ा सा तो ये हो जाएगा 200 / 15। आप इसको कैलकुलेट करके देखिएगा तो आ जाएगा 200/15, या इसी को थोड़ा सा और सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 40/3 ओम। तो ये हो गया हमारा टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। यदि अब हम यहां से जाने वाला टोटल करंट निकालें आई टोटल, तो कैसे निकलेगा, ओम्स लॉ से निकल जाएगा। तो आई टोटल कितना हो जाएगा, हो जाएगा V/R इक्विवेलेंट, और V कितना है, तो V हमारा 20 दिया हुआ है क्वेश्चन में, R इक्विवेलेंट हम लोगों ने निकाला 40/3, तो ये कितना हो जाएगा, I टोटल आ जाएगा 3/2 एम्पियर। क्लियर है, यदि I टोटल हमारा पता चल गया है तो हमको यहां से जाने वाला करंट निकालना है। तो यहां जाने वाला करंट कैसे निकलेगा, करंट डिविजन रूल से निकल जाएगा। वो क्या होता है, करंट डिविजन रूल होता है, यदि हमको I निकालना है तो I इज इक्वल टू हो जाएगा I टोटल मल्टीप्लाइड बाय अपोजिट रेजिस्टेंस। यहां का करंट चाहिए तो उसका अपोजिट है 10 / सम ऑफ द रेजिस्टेंसेस, तो हो जाएगा 5 + 10। और I टोटल हमने कितना निकाला है, तो I टोटल देखिए हमने 3/2 निकाला है, तो I कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 3/2 × 10/15। ये कितना हो जाएगा, देखिए ये आ जाएगा 1 एम्पियर। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, देखिए इस बार भी आ रहा है 1 एम्पियर और इसके पहले भी आया था 1 एम्पियर, मतलब कि जब यहां पर सोर्स कनेक्टेड था और यहां पर हमने करंट निकाला था तब ये जो करंट आ रहा था ये आ रहा था 1 एम्पियर। अब हम लोगों ने क्या किया है, इनपुट और आउटपुट की पोजिशन को इंटरचेंज कर दिया है, मतलब अब हम लोगों ने इस सोर्स को यहां कनेक्ट कर दिया है जहां से पिछले बार हम लोगों ने करंट निकाला था, और हम लोगों ने करंट उस जगह पर निकाला है जहां पर पहले सोर्स था, मतलब यहां पर भी सोर्स था तो हम लोगों ने करंट यहां पर निकाला है, और दोनों ही केसेस में जो करंट आ रहा है देखिए वो 1 एम्पियर ही आ रहा है। इसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि रिस्पॉन्स और एक्साइटेशन का रेशियो जो होगा वो सेम होगा, क्योंकि देखिए यहां पर जो रिस्पॉन्स है वो है 1 एम्पियर और जो एक्साइटेशन है वो है 20। यहां पर क्या है, देखिए यहां पर जब हम लोगों ने इनपुट और आउटपुट को आपस में इंटरचेंज कर दिया है तो रिस्पॉन्स आया है फिर से 1 और हमारा एक्साइटेशन है देखिए 20। तो इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं, तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम वेरीफाई हो रहा है। तो इस प्रकार से हमारा रेसिप्रोसिटी थ्योरम वेरीफाई हो गया। ये हो गया अपना कंप्लीट स्टडी ऑफ रेसिप्रोसिटी थ्योरम। थैंक यू।